नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वसपावर कंपनी के इलेक्ट्रिक वायरिंग मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट का हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह और ये सभी चीजें हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि बात करें वायर के बारे में, तो दोस्तों ये वायर जो है वो काफी बढ़िया क्वालिटी का दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो ये कॉपर के वायर होते हैं इनकी चमक से ही पता चल जाता है कि ये कैसे क्वालिटी के हैं। दोस्तों ये वायर जो है बढ़िया क्वालिटी है और यदि हम इसका फायर टेस्ट करें तो फायर टेस्ट में भी दोस्तों ये कम से कम एक मिनट तक इसके नीचे हम लाइटर से आग जला कर रखी तब यह वायर जाकर जला है। तो यह वायर जल्दी से आग भी नहीं पकड़ सकता है। काफी कंपनीज के वायर होते हैं दोस्तों जो जल्दी से गर्म होकर आग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये वायर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यदि आप कम साइज के वायर पर भी ज्यादा लोड चला देते हैं तो भी ये वायर जल्दी से जलेंगी नहीं, इतनी अच्छी बढ़िया क्वालिटी के ये हॉर्स पावर कंपनी के वायर हैं। और यदि बात करें दोस्तों मॉड्यूलर स्विच की, तो मॉड्यूलर स्विच भी दोस्तों कई सारी वैरायटी के हैं। ये सभी मॉड्यूलर स्विच एक ही प्लेट में आ जाते हैं। और इसके अलावा यदि आपके पास मान लीजिए दोस्तों पुरानी कोई कंपनी का मॉड्यूलर स्विच और प्लेट वगैरह पड़ी हुई है, उनके साथ भी आप इन प्रोडक्ट को मिलाकर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है और ना ही दोस्तों इन प्रोडक्ट में जल्दी सी कोई खराबी हो सकती है। यदि मॉड्यूलर सॉकेट के बारे में बात करें तो दोस्तों मॉड्यूलर सॉकेट स्पेशल सुपर लॉकिंग सिस्टम है, यानी कि दोस्तों काफी सारे कंपनी के मॉड्यूलर सॉकेट के अंदर आपको सीधे ही चार पत्ती टाइप देखने को मिलेंगे, जो कि यदि आप अपने मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के प्लेट में यूज करेंगे तो अंदर की तरफ दब जाती है और फिर फिक्स होने के बाद वह बाहर निकलती है। तो यदि आप उनमें कोई हैवी उपकरण का और थोड़ा टाइट प्लग डालेंगे तो वह सॉकेट जो है वो दबाव के कारण उस मॉड्यूलर स्विच बॉक्स के अंदर ही चली जाती है और ऐसे में वह सॉकेट टूट भी जाती है और आपका कोई वायर अंदर से अटैच हो जाने के साथ और भी बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन इस मॉड्यूलर सॉकेट के अंदर लॉकिंग सिस्टम दिया गया है जिससे यह सॉकेट जो है वो लॉक हो जाती है और यह अंदर की तरफ नहीं दब पाती है, जिसके कारण इसमें कोई खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों इस हॉर्सपावर कंपनी का ये भी बढ़िया मॉड्यूलर सॉकेट है। और दोस्तों मॉड्यूलर पावर स्विच सॉकेट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये चीनी मिट्टी का यूज किया गया है इन स्विच और सॉकेट के अंदर, इसके कारण दोस्तों यदि इन पर आप कितना भी हैवी लोड डालेंगे तो यह जल्दी से जल नहीं सकते हैं और ना ही दोस्तों इनमें कोई गर्म होने की दिक्कत होगी, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर चीनी मिट्टी का यूज किया गया है। और यदि आप इन पे एसी गीजर हीटर इस तरह के लोड आसानी से चला सकते हैं और इससे ज्यादा भी लोड आप इनके ऊपर चला सकते हैं। दूसरी काफी सारी कंपनी होती है दोस्तों जो हैवी प्लास्टिक का यूज करते हैं या प्लास्टिक जैसे मटेरियल का यूज करते हैं और यह दावा करते हैं कि उन पर आप कितना भी हैवी लोड चला सकते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उन पर आप एसी गीजर वगैरह चलाएंगे तो वो आसानी से पिघल कर प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो खराब हो जाता है, लेकिन इन मॉड्यूलर स्विच सॉकेट के अंदर ऐसा नहीं है, इनके अंदर चीनी मिट्टी का यूज किया गया है। और दोस्तों दूसरी बात, इनके अंदर किसी भी शटर वगैरह का यूज नहीं किया गया है जिससे आप बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई सारी कंपनीज के प्रोडक्ट के अंदर शटर सिस्टम दिया होता है जो कि गर्म होकर पिघल जाता है और आपका जो प्लग होता है जो आपने सॉकेट के अंदर डाला हुआ है उसके ऊपर चिपक जाता है, जिसके बाद वो प्लग ना तो बाहर आता है और ना ही अंदर जाता है। तो उस सिस्टम से बचने के लिए भी यह एक अच्छा प्रोडक्ट है। और फैन रेगुलेटर की बात करें तो दोस्तों ये स्पेशल अनब्रेकेबल नोब है, यानी कि कई सारी फैन रेगुलेटर जब आप उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए उनको घुमाओगे तब उनमें थोड़ा जोर आएगा और वह काफी बार टूट भी जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों। इनको आप आसानी से घुमा सकते हैं, स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, ये घुमाने और इनकी स्पीड कम ज्यादा करने में आसानी होती है। और इसकी नोब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बढ़िया तरीके से डिजाइन की गई है और यह जल्दी से टूटेगी नहीं। सीधी सी बात है दोस्तों, जब इनको घुमाने में कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा तो ये जल्दी से टूटे भी नहीं। इसके बाद दोस्तों मॉड्यूलर प्लेट के बारे में बात करें तो दोस्तों मॉड्यूलर प्लेट भी कई सारी कलर और साइज में आती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इन प्लेट के अंदर मेटल की ट्राइप यूज की जाती है, यानी आप जो स्क्रू यानी पेच जिनसे आप इन प्लेट को फिट करेंगे स्विच बॉक्स के अंदर, उसकी जगह पर इनमें ये लोहे की पत्ती यूज की गई है, जिससे दोस्तों ना ही तो इस प्लेट का होल जो है वो छोटा और बड़ा होगा और ना ही दोस्तों वो आपके स्क्रू यानी पेच को खराब करेगी। और दोस्तों ये प्लेट जो है वो जल्दी सी मुड़ती भी नहीं है, यानी कि बैंड नहीं होती है, इसलिए दोस्तों ये बीच में से झुकाव भी नहीं देगी। काफी सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे दोस्तों कि वो ऐसे बीच में से मुड़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे मुड़ते नहीं है। हालांकि दोस्तों आप यदि ज्यादा जोर लगाकर इन्हें मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकती है, लेकिन ऐसे बीच में से न ही तो ये प्लेट लिसकेंगी और न ही ये मुड़ेंगी, तो इनका दोस्तों ये भी एक फायदा है। इसी तरह दोस्तों बल्ब होल्डर की बात करें तो बल्ब होल्डर दोस्तों ये भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि दोस्तों पेंडेंट होल्डर, बटन होल्डर और मॉड्यूलर होल्डर। इस तरह दोस्तों
ये भी कई प्रकार के होल्डर हैं। तो इनके ऊपर ISI मार्क लगा हुआ है और इनमें आप किसी भी स्क्रू से इनको बोर्ड के ऊपर जड़ सकते हैं। और जो ये बल्लों पकड़ने वाली ये रिंग होती है ये बहुत ही टाइट है और इसे जब मैं आसानी से दबा रहा हूँ तब भी यह नहीं दब रही है। और इन पर आप किसी भी तरह के स्क्रू का यूज़ करके इनको फिक्स कर सकते हैं। और इनकी क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इन प्रोडक्ट की सही और बढ़िया क्वालिटी है। इनकी फिनिशिंग वगैरह और डिज़ाइनिंग भी अच्छा है। PVC टेप के बारे में बात करें तो दोस्तों PVC टेप भी अच्छी क्वालिटी है। कई सारे PVC टेप ऐसी होती है जिनका जो हम यूज़ करते हैं तो वो थोड़े समय के बाद पिघल कर उतरने लग जाती है जिससे आपको करंट वगैरह भी लग सकता है और भी काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके बाद दोस्तों 3-पिन प्लग टॉप के बारे में बात करें तो इनकी क्वालिटी बढ़िया है और इनके जो बॉडी की फिनिशिंग वगैरह है वो भी बढ़िया है और क्वालिटी भी अच्छी है और इनके ऊपर भी ISI का मार्क लगा हुआ है। और इनके जो पत्ती है 3-पिन टॉप की, इनके ऊपर रेड और ब्लैक कलर की पट्टी भी लगी हुई है जिससे बाहर की तरफ आसानी से यह पता चल जाता है कि ये लाइन वाला वायर है और ये न्यूट्रल वाला। अल्ट्रा AC बॉक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इनमें यदि मान लीजिए किसी कारण से इनका स्विच या फिर MCB ये खराब हो जाती है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इनके अंदर कोई भी भाग आप इसका चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यदि आप इसे ज़मीन से थोड़ा भी ऊपर लगा देते हैं और किसी बच्चे के हाथ भी इस पर अटैच होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यह पूरी तरह से बेबीज के लिए सेफ है और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। इसे आप बालकनी वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह और गीजर इस तरह के उपकरण के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। इसकी फिनिशिंग भी अच्छी है और इसकी बैक साइड से भी आप इसे देख सकते हैं। इसकी दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अल्ट्रा AC बॉक्स की वायरिंग के नाम से, तो जब मैं वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जरूर दूंगा जिससे आप इसकी और भी अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। MCB की बात करें तो इसकी MCB की क्वालिटी भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है देखने में भी और ये काफ़ी वेट में भी भारी लग रही है। काफ़ी सारी और भी कंपनी होती है दोस्तों जिनकी MCB काफ़ी हल्की होती हैं जो थोड़ा सा लोड ज़्यादा होने पर ही जल जाती हैं या फिर MCB ट्रिप होनी बंद हो जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसका ट्रिपिंग सिस्टम भी जो है बहुत ही बढ़िया है और इसके MCB के ऊपर भी इसकी सभी चीज़ें लिखी हुई है जैसे कि कितने एम्पियर की है और इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस MCB के ऊपर दी गई है। तो दोस्तों इन सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है जहाँ से आप इनके प्रोडक्ट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं या फिर दोस्तों आप इनके डीलर से भी इनके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो या फिर इन प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।